ऐसी बावड़ी मैंने आज तक नहीं देखी जो मुझे ले गई सीता 300 साल पहले। इस बावड़ी में बनाया गया कुआ बहुत बड़ा था जो नॉर्मल कुओं से बिल्कुल अलग, और इस बावड़ी में मिला हमें एक ऐसा छेद जिसके अंदर झांकने पर एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। चलिए जानते इस बावड़ी के रहस्य को जो अपने आप में अद्भुत है और बहुत बड़ी भी, जिसे बड़ी बावड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो आज मैं आपको बावड़ी दिखाने वाला हूँ ना, आप कहोगे कि यार क्या कमाल बावड़ी है। इस बावड़ी का निर्माण हुआ था 1732 में, 1789 विक्रम संवत में। तो चलिए अंदर चलते हैं। यह स्थित है भांडर एज में, जो कि दौसा जिले में एक गांव है। जयपुर आगरा हाईवे पे पड़ता है ये, और अगर जयपुर से इसकी डिस्टेंस लगाए तो लगभग 70 किलोमीटर है। बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पर। तो ये है वो गजब की बावड़ी, उसका मुख्य द्वार, जहाँ पर अष्टकोर मेहराब की छतरियाँ बनी हुई है दोनों कोनों पर। और इसमें जैसे जैसे मैंने प्रवेश किया, जैसे जैसे इसकी तरफ कदम बढ़ते गए, एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ती चली गई। और गजब की छतरियाँ बनी हुई है जिन्हें मुगल भाषा में गुंबद कहा जाता है। यह राजपूत और मुगल दोनों कला का मिश्रण है। तो चलिए अंदर चलते हैं इस बावड़ी की तरफ और निहारते हैं इस बावड़ी को, जिसमें आपका स्वागत करते हैं ये धनुषाकार मेहराब। तो ये है दोस्तों वो बावड़ी। क्या बावड़ी है यार, बहुत ही चौड़ाई के साथ बनी हुई है ये बावड़ी, बहुत ही लंबी ये बावड़ी है। और कहा जाता है जिन पत्थरों का यूज किया गया इस बावड़ी को बनाने में, वो इसी गांव से निकले थे। दोनों साइड ये जो मेहराब है, ये जो कक्ष नजर आ रहे हैं, ये प्राचीन समय में बावड़ी में प्रार्थना करने के लिए बनाए जाते थे। और दूसरा काम होता था कि इस बावड़ी में नहाने के बाद, स्नान करने के बाद कपड़े जो बदले जाते थे वो इन्हीं मेहराबों में बदले जाते थे। 3 मंजिल की ये बावड़ी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि आभानेरी चांद बावड़ी और भांडा रेज की ये बावड़ी, जिनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, इनको एक ही समय में बनाया गया, यानी 8वीं सदी में। लेकिन अगर बाहर लिखे उस बोर्ड की बात माने तो 1732 में इसका निर्माण हुआ, यानी 18वीं सदी में। इस बावड़ी में 3 तल है, यानी 3 मंजिला ये बावड़ी है, लेकिन हर मंजिल की ऊंचाई कम से कम 20 से 25 फुट थी। हम जैसे जैसे नीचे उतरे तो दूसरा तल भी आ गया, और उसकी छतरियां भी आपको यहाँ से दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये बेसिकली 3 तलों पर 3 पुल बनाए जाते थे, जो कि बताते थे कि आज इस बावड़ी में पानी का लेवल क्या है। ये एक मापने का तरीका होता था। जैसे कि ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये दूसरा तल है। तो उसके बाद हम नीचे उतरे तो हमें दिखाई दिए ये विशाल गेट, जिनकी ऊंचाई लगभग 20 फीट थी। मानो ये आपका स्वागत करने के लिए तत्पर थी। उसके बाद हम पहुंच गए थे आखिरी तल, जहां पर मिट्टी जमी हुई थी, और यहां उस शाही समय का अंदाजा होने लग जाता था। देखिए जरा इसे। अब बढ़ते हैं उस कुएं की तरफ, जो बताया जाता है कि एक नॉर्मल कुएं से बहुत बड़ा कुआं बनाया गया, जिसका व्यास डबल था उन कुओं की तुलना में जो अक्सर बनाए जाते थे, जहां पर शायद यह बारिश का पानी था। और ऊपर देखने पर आज भी इस कुएं में दिखाई देते थे वो ढाणे, जो कि 3 दिशाओं में बने हुए थे, जिनसे कभी इस कुएं से पानी खींचा जाता था, जिन्हें रहट सिस्टम बोला जाता था। इस कुएं का व्यास वाकई में बहुत बड़ा था, यानी कि डायमीटर, और बहुत ही अद्भुत था ये कुआं। थोड़ा सोचो कि मानो आपको पानी की प्यास लगी और आपको कुएं से पानी लेने जाना, तो आप जाएंगे और इन ढाणों से पानी खींचेंगे, इस बावड़ी में पानी से स्नान करेंगे। क्या आनंद होता था उस समय का। लेकिन अभी भी इस बावड़ी में हमें एक चीज ऐसी दिखाई दी जिसे मैं देखकर चकित रह गया। ये एक छेद था जिसके अंदर दिखाई देने पर हमें महसूस हुआ कि यार
इसके अंदर तो कुछ अलग ही सिस्टम है, क्योंकि ये कोई नाली तो थी नहीं, ना ही कोई पानी का सोत्र था। पानी का सोत्र तो कुआ था, और ये बना हुआ था दूसरे लेवल ख़त्म होने पर। फिर हमने इसको जूम करके देखने का प्रयास किया। ऐसा लग रहा था जैसे इन सीढ़ियों के नीचे कोई तहखाना रहा हो। तो हम गए बिल्कुल पास और बारीकी से धीरे धीरे जूम करना स्टार्ट किया, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। तो आपको देखने पर लगेगा कि वाकई में कुछ तो है अंदर, जहां हमें एक मेंढक दिखाई दिया दिन के समय में, जब उस समय लगभग 2 या 3 बज रहे होंगे। इससे ज़्यादा जूम हम कर नहीं पाए और थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि ये जगह अक्सर सांपों का घर हुआ करती है। तो व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है, लेकिन मन नहीं कर रहा, फिर भी विदा चाहता हूँ। अपने विचार अवश्य रखिएगा। बिल्कुल पास से जाकर जूम करियो, 1x पे ले, अंदर घुसा मोबाइल।